मैं गांव कस्बों और अनपढ़ बेटियों की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ बेटी को विदाई का मतलब यही लगता है कि आज के बाद वो पराई हो गई है, इसीलिए वो बहुत रोना धोना करती है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मनगढ़ंत मान्यता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि विवाह के बाद बेटी का मायके से अधिकार खत्म हो जाता है। प्राचीन समय में स्वयंवर आयोजित किए जाते थे, लेकिन ये रोने धोने की मान्यता इतनी हावी हो चुकी है कि शिक्षित और बड़े पदों पर हाईली पेड बेटियां भी विवाह के समय विदाई पर रोने लगती हैं। मैंने हजारों शादियां अटेंड की हैं, जहां भी मैंने बेटियों और उसके परिजनों को बहुत ज्यादा रोते बिलखते देखा, वो बेटियां ससुराल में आज भी किसी न किसी कारण से रो ही रही हैं। विवाह के पश्चात आप एक सुंदर सपना सजाकर पति के घर में प्रवेश करने जा रही हैं। जीवन के इस सुनहरे मोड़ पर अपने सपनों के महल में रोते बिलखते जाना और प्रवेश करना आपको आजीवन दुखी रख सकता है। राधे राधे।